नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आज का जो विषय है, हम देसी गाय के दूध और जो शरीर जिनको पेट की समस्या रहती है, जिनको अपच की समस्या रहती है, जिनका पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, तो ऐसे ही नुस्खे हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो भी भाई हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें और वो एक स्वस्थ जीवन का आनंदित लाभ ले सकें। तो दोस्तों, आज जो वीडियो है वो इस पर है, क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमें एक मैसेज किया था कि उनका जो पेट है वो साफ नहीं होता है, उनका वेट भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती रहती है, और ये समस्या जो है वो प्रतिदिन की है, और उसके लिए उन्होंने एलोपैथी ट्रीटमेंट बहुत सारे ले लिए, जिससे उन्हें महीने में एक बार एनीमा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से जो शरीर है उसको अगर आप अननेचुरल तरीके से आप उसको साफ करते हैं, सफाई करते हैं, तो उसके कई बार जो हैं उसके दुष्परिणाम भी निकलते हैं। उसका पता प्रारंभ में तो नहीं चल पाता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ आपका जो है शरीर का संतुलन जो है वो बिगड़ता जाता है, जिसकी वजह से कई बार बहुत सारी समस्याएँ हो जाती हैं। तो दोस्तों, सिंपल सा, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बता देता हूँ आपको ये नुस्खा कैसे करना है, किस तरह से आपने प्रयोग करना है। तो दोस्तों, ये जो हमारे पास में है ये दूध है, और दूध में हमने जो है एक उबाल ले लिया है, और इस दूध को धीमी धीमी आंच पर हमने थोड़ा सा पकाना है, जिससे कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, और गाढ़ा होने के बाद इसमें थोड़ा सा हमने अदरक और थोड़ा सा हमने इसमें जो है बादाम भी डाले हैं। आप इसमें जो है मुनक्का या फिर किशमिश जो है वो भी डाल सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार से। वैसे हमने इसमें मुनक्का वगैरह नहीं डाला है। दूसरी जो सामग्री आपने लेनी है, जो इसमें मेन पार्ट है, वो है दोस्तों, वो है देसी गाय का घी। तो दोस्तों, हम घी खाने पे और घी का आयुर्वेद में क्या महत्व है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसके कारण से हमारे जो जितने भी साथी हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो एक अच्छी जानकारी ले सके और अपने जीवन में इसको उतार कर एक अच्छा स्वास्थ्य लाभ ले सके। तो दोस्तों, अभी हमारे पास में ये देसी गाय का घी है, देसी गाय का दूध है, जिसको हमने गैस पर उबालने के लिए छोड़ा हुआ है। तो अभी हमने करना क्या है, तो दोस्तों, या तो आप खुद से ही 2 चम्मच इसमें घी डाल सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, जितना आप झेल सके, या फिर इसमें इस तरह से आप जो है थोड़ा घी जो है टपका दीजिए, 1 या 2 चम्मच, जितना भी आप अपनी सुविधा अनुसार अच्छा समझें वो आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इसमें पहले से ही इसमें घी डाला हुआ है, तो हमने अभी थोड़ा ही घी इसमें डाला है। और घी डालने के बाद दोस्तों, इसमें क्या है कि आपने 1 से 2 उबाल जो है लाने हैं, थोड़ी आंच जो है आपने ज़्यादा कर देनी है। आप देख सकते हैं कि दूध में उबाल आना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से जब आपको लगे कि उबाल आ चुका है और जो घी है उसने अपना पीलापन जो है वो दूध में छोड़ दिया है, तो उस समय आप जो है इस दूध को उतार कर इसको ठंडा कर लें। इसको ठंडा करने के बाद इसको अच्छी तरह से गिलास में इसे तोड़ लें, जिससे कि उसमें दूध में झाग बनेंगे और ये जो घी है उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों, अब ये जो दूध है ये इस तरह की एक औषधि बन गई है, ये एक इस तरह का टॉनिक बन गया है, जो शरीर का आपका कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत को तो दूर करेगा ही करेगा, और साथ में आपका जो पौरुष बल है, जो पौरुष शक्ति है, उसको भी बढ़ाएगा। और ये नुस्खा ऐसा है दोस्तों, आपका वेट गेन करेगा और आपकी जो अगर किसी भी तरह की कोई कमजोरी है शरीर में, वो भी आपका जो है दुरुस्त करेगा। तो दोस्तों, इस तरह का जो प्रयोग है आप सप्ताह में या फिर प्रतिदिन इसको कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है।
और आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताइए, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें।